हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये ब्रह्मास्त्र सीरीज का क्लास 9 है और क्लास पहला से लेकर क्लास 8वां नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जरूर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। एक भी क्लासेज मिस नहीं करना है, लास्ट चरण आप लोगों का चल रहा है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, ठीक है, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चांस रहेंगे, वो क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो को शेयर नहीं किया तो अभी से प्लीज शेयर कर दीजिए, इसे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बाद हम लोग रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, प्रश्न है कि पूना समझौता क्या था। देखिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है कि पूना समझौता क्या था, तो आइए जानते हैं उत्तर के माध्यम से कि पूना समझौता क्या था, ठीक है। तो कह रहा है कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मध्य मतभेद हुए। बाद में पूना समझौता 1931 के माध्यम से अंबेडकर ने महात्मा गांधी के विचारों को मानकर अपनी सहमति दी। अब ये हो रहा है यहाँ पे मैटर कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी और डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के मध्य कुछ मतभेद हुए। बाद में पूना समझौता 1931 के माध्यम से अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के विचारों को मानकर अपनी सहमति दी। पहले महात्मा गांधी ने इन पूना पे समझौता को कहा था, ठीक है, सहमति कि आप डॉक्टर वी आर अम्बेडकर से सहमति लेने के लिए, लेकिन उन्होंने कब सन 1931 में क्या किया, उन्होंने डॉक्टर वी आर अम्बेडकर जी ने गांधी जी की सहमति लेकर और उन्हें उनके विचारों को मानकर अपनी सहमति दे दी पूना समझौता के लिए, ठीक है। तो पूना समझौता क्या है यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से जान लिया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को क्लियर हो गया स्टूडेंट, इसी तरह आपको उत्तर लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट यह है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था, तो आइए जान लेते हैं उत्तर के माध्यम से कि नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया था, तो नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए चलाया था, ठीक है। उन्होंने 12 मार्च 1930 को, ये डेट याद होना चाहिए आप लोगों को, 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नमक कानून उल्लंघन किया था। तो यह प्रश्न आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, कि 12 मार्च 1930 को उन्होंने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर के दांडी यात्रा की, साबरमती आश्रम से उन्होंने यात्रा शुरू की थी और उसी समय उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरह एक्सप्लेन तरीके से आपको लिख देना है, कुछ पॉइंट आपको याद होना चाहिए, जैसे 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ ब्रिटिश सरकार के अधिकार को समाप्त करने के लिए चलाया गया था, ठीक है, यही कुछ पॉइंट आपको फैक्ट याद होने चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी। मुस्लिमों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की थी, आइए हम जान लेते हैं। तो वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी, ठीक है। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी। स्टूडेंट कौन, तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन, मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की थी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जान लेते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांगों को कब स्वीकार किया गया था। तो देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, दिसंबर 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार कर दिया गया था। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट।
चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर चौथा भी क्लियर आप लोगों को हो गया। क्वेश्चन नंबर पांचवें की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा स्टूडेंट यह है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये जान लेते हैं। तो साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के कार्य की समीक्षा करना और सुझाव देना था। ठीक है, साइमन कमीशन किसके, जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के कार्य को समीक्षा करना और सुझाव देना था स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। यह क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए किसी कीमत पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट यह बोल रहा है इसमें कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो चलिए बता देते हैं। तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर छठवां तैयार हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि खनिज क्या है, खनिज क्या है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट खनिज क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। कह रहा है भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। जैसे खनिज हीरे जैसा कठोर तो चूने जैसा नरम भी होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो खनिज क्या है, इस उत्तर के माध्यम से आपको मालूम चल गया होगा। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूं, सारे क्वेश्चंस को आपको लर्न करके जाना स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सातवां आपने नोट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर आठवीं की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां स्टूडेंट यह है कि आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, तो आइए जानते हैं कि खनिज आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों की दरारों, जुड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। खनिज जो होता है वो आग्नेय तथा क्रांतिक चट्टानों की दरारों, जुड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। खनिजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में तथा वृहद जमाव परत के रूप में होता है। जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि खनिजों को जमाकर इन्हीं सिराओं में होता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर आठवां है, मैं बता दूँ, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट, रिविजन करके जाइएगा एक बार जरूर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आठवां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ स्टूडेंट यह है कि सड़क परिवहन के तीन गुण बताइए। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कह रहा है सड़क परिवहन के कोई तीन गुण बताइए। तो चलिए सड़क परिवहन के तीन गुण निम्नलिखित है कौन कौन, तो पहला गुण लिखिए कि सड़कों को असमान सतहों जैसे पहाड़ियों और पहाड़ों में बनाया जा सकता है। सड़कों को असमान सतहों जैसे पहाड़ियों और पहाड़ों में भी बनाया जा सकता है। और दूसरा इसका गुण यह है कि यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि सड़क परिवहन के तीन गुण पूछा है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। दो गुण मैंने डिस्कस कर दिया, एक गुण और मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, जो कि इस लेख में आपको दिखाई देगा। और एक लास्ट गुण और नोट कीजिए कि सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पथों को जोड़ता भी है। ठीक है, तो तीन मैंने सड़क के प्रमुख गुण बता दिया आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ था वह, और क्वेश्चन नंबर टेन जो कि छह नंबर में पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन स्टूडेंट यह बोल रहा है यहाँ पे कि व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हम लोग उत्तर के माध्यम से लिखेंगे। पहले हम लोग व्यापार जानेंगे, आखिर में व्यापार होता क्या है। ठीक है, तो देखिए व्यापार क्या होता है स्टूडेंट, कि व्यक्तियों, क्षेत्रों, दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन व्यापार कहलाता है। वस्तुओं, देखिए व्यक्तियों, क्षेत्रों, दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं का लेन देन ही क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। ठीक है, स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर निम्नलिखित हैं, कौन कौन अंतर है, चलिए अंतर भी जान लेते हैं। तो एक और आप स्थानीय व्यापार डालिए, एक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डालिए। अब स्थानीय व्यापार क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो स्थानीय व्यापार स्टूडेंट एक देश के गांवों, शहरों, नगरों व राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। एक देश के, जैसे इंडिया में कई राज्य हैं, अगर वो अपने आपस में लेन देन कर रहे हैं तो उन्हें हम स्थानीय व्यापार कहते हैं। अब वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कि दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और कोई दो देश आपस में लेन देन कर रहा है तो उनके बीच जो व्यापार होगा उन्हें हम क्यों व्यापार कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए
देख लेते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे दूसरा पॉइंट है कि स्थानीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय होती है। स्थानीय व्यापार में जो राष्ट्रीय मुद्रा होती है विनिमय होती है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो विदेशी मुद्रा विनिमय होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का विनिमय होता है और स्थानीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्रा का विनिमय होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर दो अंतर भी आपको स्पष्ट रूप देखने को मिल गया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि मैंने यहाँ पे व्यापार से आप क्या समझते हैं ये भी बता दिया, और अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय व्यापार में अंतर भी आप लोगों को स्पष्ट करा दिया। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं किसके, सामाजिक विज्ञान के। अब हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग कुछ लोग रासायनिक जो विज्ञान है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न तीन तरीके से पूछा जाता है, यह प्रश्न किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। वो प्रश्न कह रहा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। पहला प्रश्न डायरेक्टली इसी तरह पूछ लिया जाता है और इस प्रश्न को घुमा के पूछता है इस तरह कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। ठीक है, या तो इस प्रश्न को किस प्रकार पूछ लेता है कि मिशेल की अवधारणा के आधार पर साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाइए। तो देख पा रहे हैं तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर एक ही होता है। चलिए उत्तर क्या लिखना आप लोगों को, साबुन की सफाई क्रियाविधि हनी डालिए। साबुन की सफाई क्रियाविधि हनी डालने के बाद लिखना आप लोगों को इसमें है कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोसलेक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का अणु दो सिरों वाला होता है, जो साबुन के अणु होता है वो दो सिरों वाला होता है, जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, किसके प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, तो निम्न प्रकार द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। हाइड्रोकार्बन भाग तेल मैल में घुलता है, हाइड्रोकार्बन भाग जिसे तेल मैल के रूप में होता है वो घुलता है, जबकि आयनिक भाग जल में घुलता है, जबकि आयनिक जो भाग होता है वो जल में घुलता है। जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर, जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। साबुन के जो अणु होते हैं वो मिसेली संरचना तैयार करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, फिर इसे के नीचे और आपको लिखना है इसमें कि जहाँ साबुन के अणु का एक सिरा तैलीय कण मैल की और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, जहाँ साबुन के अणु का एक सिरा तैलीय कण की ओर और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, इससे पानी में इमल्सन बनता है, इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी का घोलने में मदद करता है और हमारे कपड़ों को साफ, जो हमारे कपड़े हो जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी प्रक्रिया मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि साबुन की सफाई की क्रिया विधि वह हेडिंग डाल के आपको इतना लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि मैं आपके सामने डिस्कस किया हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड स्टूडेंट यह है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण देकर लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो एल्युमिनियम ऐसी धातु है, एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अर्थात यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों की प्रकृति रखती है। यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों की प्रकृति रखती है स्टूडेंट। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिख सकते हैं, देख जो ये रिएक्शन हो रहा है, इन दोनों रिएक्शन को लिखना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। तो मैंने दो उदाहरण भी आप लोगों को सामने दे दिया, जैसा कि Al2O3 मिलकर CH6HCl के साथ अभिक्रिया करके 2Al2Cl3 और +3H2O मिलकर बना रहे हैं, इसी तरह ये भी उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है, कह रहा है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में सहायक क्यों प्रभावी हैं, चाहे क्यों उनसे ज़्यादा साफ हो जाता है बर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा, या खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं। तो देखिए उत्तर हम लोग लिखेंगे कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन व नमी से अभिक्रिया करके, ठीक है, और नमी से अभिक्रिया के कारण तांबे की सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है तथा तांबा अपनी चमक खो देता है। यहाँ पे देखिए वायु से अभिक्रिया करके क्षारीय कॉपर कार्बोनेट हरा रंग बना रहा है यहाँ पे। इसके बाद ये लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे लिखना पड़ेगा आपको कि यह परत
जल में अविलय होती है। यह परत क्या होती है? जल में अविलय होती है, अतः स्वच्छ जल से धोने पर यह अलग नहीं हो पाती। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत से अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बना देते हैं। इन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है और इससे तांबे की सतह पुनः चमकीली हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, इसे रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा स्टूडेंट यह है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, कारण सहित लिखिए। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछेगा कि वो कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं उत्तर के माध्यम से। तो गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम ऐसी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता अत्यधिक कम होती है। तो कौन कौन सा है? गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम। ठीक है, ऐसी धातु है जिनमें सरलता से जंग नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इन धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो अधिक कम होती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए उत्तर लिखना पड़ेगा हमें कि वर्षा के जल में घुलित लवणों के कारण आयन उपस्थित होते हैं जो उसे विद्युत का सुचालक बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जबकि आश्रित जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होते हैं, अतः यह विद्युत का चालक नहीं होता इस कारण स्टूडेंट। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन 5 बता दिया आप लोगों को केमिस्ट्री का, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक तो देखें ही आप लोग, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि सबके पास पहुंच पाए और सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।